उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुर्की ने पाकिस्तान को एक प्रपोज़ल दिया है दोहरी शहरियत के एग्रीमेंट का। वो एग्रीमेंट क्या है और उससे पाकिस्तानी और तुर्की शहरियों को क्या फ़ायदा होगा वो डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल, मेरा नाम है सईद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दोहरी शहरियत क्या होती है। दोहरी शहरियत का मतलब है कि आपके पास एक मुल्क से ज़्यादा ममालिक की नेशनैलिटी है, यानी कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की भी नेशनैलिटी है। आज की डेट में बात करें तो पाकिस्तान का अभी तक 19 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत का माहिदा है। डिफरेंट रेजिडेंसी परमिट होते हैं और वर्क परमिट होते हैं, उसके ज़रिए आप वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करते हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़नी नहीं पड़ती। अभी तक जो ममालिक के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो 19 हैं, जिसमें बड़े बड़े ममालिक USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, ये ममालिक शामिल हैं। अभी हुकूमत तुर्की ने पाकिस्तान को ये प्रपोज़ किया है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाए जिसके तहत पाकिस्तानी और तुर्की शहरी डुअल नेशनैलिटी रख सकें। यानी अगर कोई पाकिस्तानी तुर्की में जाके तुर्की की नेशनैलिटी हासिल करता है तो उसको पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। ऐसा ही सेम अगर कोई तुर्क नेशनल पाकिस्तान में आके नेशनैलिटी अप्लाई करता है तो उसको तुर्की की नेशनैलिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। इससे पहले ये एग्रीमेंट तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद नहीं था। और दोस्तों आपको ये यहाँ पर बताता चलूँ कि ये प्लान अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, अभी इसका कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी सिर्फ तुर्की के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये प्रपोज़ल पेश किया है। अभी इसका ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ऑटोमेटिक तुर्की के नेशनल बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब फेक वीडियोज़ हैं, आप किसी के झांसे में मत आएं। ये मैं हमेशा जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं आपको बताता हूं कि आपको किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं किसी एजेंट को। अगर वो आपको मिसगाइड करे कि आपको वो तुर्की का पासपोर्ट दिलवा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाफुली तुर्की में इंटर होना पड़ेगा, वहाँ पर जो अवेलेबल प्रोग्राम है जैसे सिटीज़न थ्रू इन्वेस्टमेंट है और वर्क परमिट है या डिफरेंट रेजिडेंसी परमिट है, आपको इन सब प्रोग्राम में किसी एक प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जो उनका कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ के नेशनल बनने के, नेशनैलिटी हासिल करने के एलिजिबल होंगे, अहल होंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं आप इतने पैसे दें हम आपको वहाँ का पासपोर्ट ले देंगे, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, तो ये सब फेक है, फ्राड है, इनसे बचिए। ऐसे ही इसमें कुछ नेक्स्ट स्टेज पे ये प्रोग्राम जाएगा या प्रपोज जो प्लान है ये जाएगा, हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।